मनेन्द्रगढ़ छिलमिरी भरतपुर जिला के ग्राम पंचायत बरमपुर में स्थित महावीर स्टोन क्रेशर को सील कर दिया गया है। तहसीलदार, राजस्व, खनिज विभाग और लेबर ऑफिसर की संयुक्त टीम की औचक जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। जांच में कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद स्टोन क्रेशर को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया। महावीर स्टोन क्रेशर में पर्यावरणीय अनुमति, मजदूरों की सुरक्षा उपकरण और हाजिरी रजिस्टर से संबंधित गंभीर खामियां पाई गई। स्टोन क्रेशर के संचालक द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को सही तरीके से संधारित नहीं किया गया था। इस जांच के दौरान दो खदानों की भी जानकारी मिली, जिसमें से एक बरमपुर और दूसरी सेदा में स्थित है। तहसीलदार राशि शेखर मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। शिकायत मिलने पर यह जांच की गई और कार्रवाई भी की जा रही है। एसडीएम विजेंद्र सिंह साथी ने बताया कि खनिज विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने जब दस्तावेज मांगे तो संचालक सही ढंग से उन्हें प्रस्तुत नहीं कर पाए। जिला खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा ने बताया कि क्वेश्चन में निर्धारित मात्रा में अधिक भंडारण किया गया था। फिलहाल स्टोन क्रेशर को बंद कर दिया गया है और संचालक के खिलाफ संबंधित विभागों द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। आज महावीर क्रेशर बरमपुर में और उनके खदान फैदा में राजस्व विभाग, लेबर डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। हम तीनों विभाग द्वारा वहाँ जब कार्रवाई की प्रारंभ की गई तो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, जो कि उनके द्वारा सही ढंग से संधारित नहीं किए गए थे। और इसके अलावा कुछ गंभीर अनियमितताएं भी खदान के इस कारण से खदान को एवं उनके क्रेशर को सील किया गया है। परिवहन, भंडारण और उत्खनन नियम 2009 के तहत इस पे जो शर्तों का उल्लंघन के बिहाफ में हम लोगों ने इस पे कार्रवाई किया है। में मात्रा से अतिरिक्त मात्रा में जो भंडारण किया गया है उसके तहत पेनल्टी का प्रावधान है। कि दो खदानें हैं, एक बरमपुर में है और एक सैदा में है। सैदा में केवल खदान है और बरमपुर में क्रशर और खदान दोनों के लाइसेंस हैं। तो हमें कुछ शिकायतें मिली हुई थी, तो संयुक्त टीम आई हुई है माइनिंग, रेवेन्यू और लेबर की। जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट कलेक्टर सर को प्रेषित की जाए।